Good morning, students. Welcome to our English class. Today we will start lesson 3 in reader, and the name of lesson is Washing Clothes with My Mom. So let's start with warm-up exercise. In this exercise, you will have to circle 7 more household tasks in the word string. आपको इस word string में से 7 household tasks को find करना है and circle करना है. Now let's start reading. I was raised in a family of 14 people in a home with only one bathroom. इसमें राइटर अपनी स्टोरी बता रहा है कि जब वो एक ऐसी फैमिली में बड़ा हुआ जिसमें 14 लोग थे और वो एक घर में एक ही बाथरूम शेयर करते थे. Needless to say, scheduling bath time in my home was more than a simple task. और ये कहने की ज़रूरत नहीं कि ऐसे घर में जहाँ 14 लोग रहते थे वहाँ पर बाथ टाइम को शेड्यूल करना, नहाने के समय को शेड्यूल करना कोई एक सिंपल टास्क नहीं था. When I was 7 years old, जब मैं 7 years का था, I learned the only way to get sufficient bath time was to wake up before my sibling. मैंने सीखा कि अगर मैं एक सफिशिएंट बाथ टाइम लेना चाहता हूँ, अच्छे से नहाना चाहता हूँ, तो मुझे अपने भाई बहनों से पहले उठना होगा, पहले जागना होगा और नहाना होगा. माई मदर गेव मी एन ओल्ड वाइंड अप क्लॉक सो आई कुड वेक अप अर्ली. मेरी मदर ने मुझे एक पुराने क्लॉक दी जिससे मैं जल्दी जाग सकूँ. द फर्स्ट मॉर्निंग आई यूज द अलार्म. फर्स्ट मॉर्निंग मैंने अलार्म यूज़ किया. आई वोक अप एट 5:30 और मैं मॉर्निंग में 5:30 पर जाग गया. वोक डाउन स्टेयर एज क्वाइटली एज पॉसिबल. मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा जितनी धीरे धीरे, जितनी शांति से मैं नीचे उतर सकता था. एंड आई हैड अ बाथ और मैंने बाथ लिया. व्हाइल आई बाथ आई हियर डैड स्टरिंग इन द बेडरूम. जब मैं नहा रहा था तो मैंने अपने डैड की कुछ हलचल जो थी वो बेडरूम में मुझे सुनाई दी, उनके बेडरूम से, विच वॉज एडजेसेंट टू द बाथरूम, जो बिल्कुल बाथरूम के साथ ही था. आफ्टर आई कम्प्लीटेड माई बाथ आई वॉज गोइंग बैक अपस्टेयर्स व्हेन आई हियर्ड बजिंग इन द बेसमेंट. नहाने के बाद जब मैं अपस्टेयर सीढ़ियों से ऊपर जा रहा था तो मुझे बेसमेंट में कुछ आवाज़ें सुनाई दी. बेसमेंट जो ग्राउंड फ्लोर से नीचे की तरफ होता है. I tiptoed to the basement, landed and looked around the corner of the stairs. मैं धीरे धीरे नीचे बेसमेंट में उतरा और मैंने सीढ़ियों के कॉर्नर से चारों ओर देखा. Mom was bent over our dryer. Mom जो थी वो ड्रायर पर झुकी हुई थी. Pulling clothes out and setting them on a table. उसमें से क्लोथ्स कपड़ों को खींच रही थी बाहर की तरफ और उन्हें टेबल पर सेट कर रही थी. She was singing. वो गाना गा रही थी. Without turning around, she said, What are you doing? बिना पीछे मुड़े ही उन्होंने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो. I heard buzzing, I said. What are you doing? मुझे ये आवाज़ सुनाई दे रही थी. So, आप क्या कर रही हैं, मैंने अपनी मदर से पूछा. Washing clothes, she replied. उन्होंने कहा कि वो क्लोथ्स को वॉश कर रही हैं. This early, इतनी जल्दी. 4 days a week, she replied. और उन्होंने मुझे बताया कि वो वीक में 4 days ऐसा ही करती हैं. Mom explained that she woke up at 4 o'clock every Monday, Tuesday, Wednesday and Thursday to wash clothes. मेरी मदर ने मुझे बताया कि वो वीक में 4 days 4 o'clock पर उठती हैं और क्लोथ्स को वॉश करती हैं. She explained it was necessary to keep us in clean clothes. और उन्होंने मुझे बताया कि ये ज़रूरी है जिससे हम साफ कपड़े पहन सकें और साफ रह सकें. Dad's up too, I said. Dad भी जाग गए हैं. I know. He does paperwork while I do laundry. मदर ने बताया कि हाँ, वो इस टाइम पर paperwork करते हैं जब मैं कपड़े धोती हूँ. It's the only time the house is quiet enough to concentrate. यही एक ऐसा समय होता है जब घर में ही शांति होती है और हम concentrate कर सकते हैं अपना work करने के लिए. Why were you singing? I asked. मैंने अपनी मदर से पूछा कि तुम गाना क्यों गा रही थी. I might as well enjoy my work. No use being upset. मैं इस तरह से अपने वर्क को enjoy कर सकती हूँ और इसमें परेशानी नहीं होती. मेरी मदर ने मुझे ऐसा कहा. Mom still used an old wringer washer, but she was absolutely thrilled that she and Dad had scrapped together enough money to get a cloth dryer. She wouldn't have to hang clothes outside during winter anymore. मदर जो थी, मेरी मदर अभी भी पुराना ही वॉशर यूज़ कर रही थी, बट शी वॉज
एब्सोल्यूटली थ्रिल्ड, वो लेकिन इससे बिल्कुल भी परेशान नहीं थी, वो खुश थी कि क्योंकि उन्होंने इस ड्रायर को, इस वॉशर को उन्होंने और डैड ने मिलकर मनी इकट्ठा करके ये ड्रायर लिया था और अब उन्हें विंटर में कपड़े जो हैं बाहर टांगने नहीं पड़ते। इट वॉज़ क्वाइट एन ओल्ड फैशन ड्रायर, ये एक बहुत ही पुराना मॉडल था ड्रायर का, नॉट लाइक द मॉडर्न वंस वी हैव टूडे, ऐसा नहीं था जैसे आजकल के टाइम में होता है। एंड द लिंट फिल्टर हैड टू बी क्लीन्ड एवरी आफ्टर एवरी लोड, और उसका जो लिंट फिल्टर था जिसमें कुछ फाइबर्स जो है अटक जाती हैं, उनको जो था हर लोड के बाद जो था साफ करना पड़ता था। कैन आई हेल्प, आई आस्क्ड, मैंने अपनी मदर से पूछा कि क्या मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, तो मेरी मदर ने क्या कहा, श्योर, बिल्कुल। मोम स्टार्टेड अनदर लोड इन द ड्रायर एंड प्लेस्ड अ लार्ज शोवल ऑन द बेसमेंट फ्लोर इन फ्रंट ऑफ द ड्रायर, मेरी मदर ने जो था ड्रायर में दूसरा लोड डाला क्लोथ्स का और एक बड़ा सा टोवल जो था वो बेसमेंट पर बिछा दिया फ्लोर पर फर्श के ऊपर, और उन्होंने मुझसे कहा, व्हाई डोंट यू लाई डाउन एंड कैच अ नैप अंटिल वी आर रेडी फॉर अनदर लोड, मेरी मदर ने मुझे कहा कि तुम थोड़ी देर के लिए लेट क्यों नहीं जाते जब तक कि अगला लोड रेडी हो जाता है। द एयर फ्रॉम द ड्रायर वॉज वार्म एंड कम्फर्टेबल, जो ड्रायर से हवा आ रही थी वो गर्म थी और आरामदायक थी। आई स्लेप्ट अंटिल द ड्रायर बज्ड, और ड्रायर के बजने से पहले बजने तक मैं सोया रहा। आई वॉज थ्रिल्ड व्हेन मॉम टॉट मी टू क्लीन द लिंट फिल्टर एंड टू प्लेस द ड्राई क्लोथ्स ऑन अ फोल्डिंग टेबल, मैं बहुत ही थ्रिल्ड था, रोमांचित था जब मेरी मदर ने मुझे सिखाया कि किस तरह से लिंट फिल्टर को साफ करना है और सूखे हुए कपड़ों को फोल्डिंग टेबल पर डालना है। शी मेड मी फील यूजफुल, उन्होंने मुझे फील कराया कि मैं उनके लिए कितना यूजफुल हूँ, हेल्पफुल हूँ। आई रिमेंबर हाउ शी कॉम्प्लीमेंटेड मी ऑन अ जॉब वेल डन, मुझे अब आज भी याद है कि किस तरह से उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया, मेरी तारीफ की कि मैंने कितना अच्छा वर्क किया था। Although I remember dropping most of the clothes before I got them on the table, जबकि मुझे याद है कि मैंने बहुत से क्लोथ्स को टेबल पर डालने से पहले नीचे गिरा दिया था, मुझसे कुछ कपड़े जो थे वो नीचे भी गिर गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया। When my elder sister woke at 6 o'clock, जब मेरी बड़ी sisters जाग गई 6 o'clock, जब वो 6 बजे morning में जागी, they took their bath and then helped mom carry the folded clothes upstairs, उन्होंने भी बाथ लिया, नहाने के बाद उन्होंने मेरी mother की help की जो folded clothes थे उनको ऊपर ले जाने में। That was a ritual that I hadn't noticed until that morning. एक ऐसा ritual था, एक ऐसा work था जो मुझे पहले नहीं पता था, उस morning में जागने से पहले मैंने कभी इस तरफ ध्यान ही नहीं दिया था। The next morning I set the alarm for 4 o'clock. अगले दिन morning के लिए मैंने 4 o'clock का alarm set किया। I hurried through my bath, मैंने जल्दी से बाथ लिया and rushed to the basement to help mom, और जल्दी से basement की तरफ भागा अपनी mom की help करने के लिए। She placed a towel on the floor, उन्होंने एक फर्श पर एक towel को बिछा दिया। I slept until the dryer buzzed, और जब तक dryer बजता था मैं उस पर लेट जाता था। Then cleaned the lint filter and stack the cloth on the table. उसके बाद मैं लिंट फिल्टर को क्लीन करता और क्लोथ्स को टेबल पर डालता। I slept between loads. Loads के बीच में मैं सो जाता while mom sang folded clothes and washed another load. जब तक मेरी मदर गाती थी, क्लोथ्स को फोल्ड करती थी और दूसरे लोड को भी वॉश करती थी। That was a routine we kept every wash day for several years. कई सालों तक मैंने इसी रूटीन को फॉलो किया जिस दिन भी मेरी मदर को कपड़े वॉश करने होते थे। आई लुक बैक ऑन दोज डेज विद फॉन्ड मेमरीज, मैं आज भी उन दिनों के बारे में सोचता हूँ, उन अच्छी यादों के बारे में सोचता हूँ। माई पेरेंट्स टॉट माई सिबलिंग्स एंड मी दैट वर्क वॉज नॉट अ हार्डशिप, मेरे पेरेंट्स ने मुझे और मेरे भाई बहनों को सिखाया था कि कोई भी वर्क जो है वो मुश्किल नहीं होता। समटाइम्स व्हेन आई एम वर्किंग
I catch myself singing a song I learned in that old basement and smile. कई बार जब मैं अपना काम कर रहा होता हूँ तो मैं अपने आप को फिर से उसी बेसमेंट में पाता हूँ कि मैं वहाँ गाना गा रहा हूँ और मुझे स्माइल मुझे और मेरे फेस पर स्माइल आ जाती है. इट्स अमेजिंग टू मी हाउ सिमिंगली इनसिग्निफिकेंट मूमेंट्स क्रिएट फोन मेमरीज दैट लास्ट अ लाइफ टाइम. और ये कितना अमेजिंग है, कितना आश्चर्यजनक है कि कुछ इनसिग्निफिकेंट अनइम्पोर्टेंट से क्षण होते हैं जो महत्वहीन क्षण हैं, जो हमारे लिए बहुत ही अच्छी यादें बन जाती हैं और लाइफ टाइम जीवन भर हमारे साथ रहते हैं. तो ये स्टोरी है, रीड दिस स्टोरी केयरफुली. थैंक यू स्टूडेंट्स.